दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ समरी ऑफ द लेसन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पाकिस्तान, जो कि सेकंड ईयर इंग्लिश में लेसन नंबर 16 है। तो स्टार्ट करते हैं। द लेसन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पाकिस्तान हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ यूके मैगजीन डिप्लोमेट। इसका मतलब ये है कि लेसन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पाकिस्तान को यूके के एक मैगजीन डिप्लोमेट से लिया गया है। In this lesson, the writer tells us, इस सबक में मुसन्निफ हमें बताता है that Pakistan is a beautiful country, कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, with many natural beauty, जिसमें बहुत सारी कुदरती खूबसूरती है, ancient civilization, पुराने तहजीब हैं, and a mixture of religions and culture, और मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों का अमेज़ा है। It has many tourist attractions, इसमें सयाहों के लिए कई एक दिलकश मुकामात हैं, including UNESCO World Heritage, जिसमें UNESCO World Heritage साइट्स, यूनिस के मनाजिर, मेजेस्टिक माउंटेंस, बुलंदबाला पहाड़, डेजर्ट्स एंड फ्लोरा एंड फाना सहरा है, और नबाता तो जमादाद ही। टूरिज्म इज ग्रोविंग फास्ट, सियाहत का जो शोबा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान वेलकम, और पाकिस्तान के लोग खुश आमदेद कहते हैं ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों को। द राइटर टेल्स अस दैट पाकिस्तान हैज़ सम ऑफ द वर्ल्ड्स highest and most famous mountain ranges. मुसन्निफ हमें बताता है कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे आला और बहुत ही मशहूर पहाड़ी सिलसिले हैं, including the Himalayas, Karakoram and Hindu Kush, जिसमें हिमालया, कराकोरम और हिंदू कुश शामिल है, with K2 being the second highest peak in the world, जिसके अंदर K2 दुनिया की दूसरी ऊंची पहाड़ी चोटी है। द कराकोरम हाईवे इज़ द हाईएस्ट ट्रेड रूट इन द वर्ल्ड। कराकोरम हाईवे दुनिया का सबसे आला तजारती रास्ता है। सिमिलरली बाल्टोरो ग्लेशियर, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ गिलगित, हुंजा एंड स्कर्दू आर अवर्ड सीइंग प्लेसेस विद ब्यूटीफुल वैलीज, वाइल्ड लाइफ एंड लेक्स। इसी तरह बाल्टोरो ग्लेशियर और गिलगित, हुंजा और स्कर्दू के कुदरती खूबसूरती वो देखने की जगह हैं, जिसमें खूबसूरत वादियाँ, जंगली हयात और झील शामिल हैं। द पंजाब प्रोविंस हैज़ अ रिच हिस्ट्री, सूबा पंजाब जो है एक आला तारीख रखता है, विद श्राइन्स एंड एंशंट फोर्ट्स एंड गार्डन्स ऑफ द मुगल इरा, जिसमें मज़ार है, पुराने किले हैं और मुग़ल ज़माने के बागात शामिल हैं। द राइटर टेल्स अस अबाउट डिफरेंट ब्यूटीफुल एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस इन द पंजाब प्रोविंस। मुसन्निफ हमें सूबा पंजाब में मुख्तलिफ खूबसूरत और तारीखी मकामात के बारे में बताता है। इट इंक्लूड्स शालीमार गार्डन, लाहौर फोर्ट, मीनार पाकिस्तान एंड मेनी अदर प्लेसेस। इसमें शालीमार बाग, किला लाहौर और मीनार पाकिस्तान और दूसरी जगह शामिल है। इट यानी आर्टिकल आल्सो सेज अबाउट द मकरान कोस्टल हाईवे, बलूचिस्तान केव्स एंड हिंगोल नेशनल पार्क। ये जो आर्टिकल है ये हमें बताता है मकरान की साहिली शाराए आम के बारे में, बलूचिस्तान में मौजूद गारों के बारे में और हिंगोल नेशनल पार्क के बारे में। द आर्टिकल मेंशंस, ये आर्टिकल बयान करता है द डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, मुख्तलिफ सकाफती असरात के बारे में, दैट हैव शेप्ड मॉडर्न पाकिस्तान, जिसने जदीद पाकिस्तान को शक्ल दी, इंक्लूडिंग हड़प्पन, इंडो आर्यन, अरब, तुर्क एंड मुग़ल हेरिटेज, जिसमें हड़प्पा, इंडो आर्यन, अरब, तुर्क और मुग़ल विरसे शामिल हैं। द राइटर टेल्स अस, मुसन्निफ हमें बताता है दैट पाकिस्तान इज़ ए कंट्री विद अ रिच हिस्ट्री, के पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि एक बहुत बेहतरीन तारीख और एंड कल्चरल हेरिटेज और सकाफती वरसा रखता है। इट इज़ होम टू द एंशंट इंडस सिविलाइजेशन, ये घर है पुरानी सिंधी सकाफत का, एंड हैज़ बीन अ सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म, और बुद्ध मत और सिख मज़हब का गहवारा है। इट आल्सो हैज़ मैनी सूफी श्राइन्स that promote religious harmony and tolerance. इसमें कई एक सूफिया कराम के मज़ार हैं जो कि मज़हबी हम आहंगी और बर्दाश्त को फ़रोग देता है। पाकिस्तान takes pride in preserving and promoting its historical and spiritual sites for tourism. पाकिस्तान फ़ख्र महसूस करता है अपनी तारीखी और रूहानी जगहों को महफूज करने पर, किन के लिए, for tourists, इन सयाहों के लिए। At the end of the lesson, The writer tells the readers, सबक के आखिर में मुसन्निफ पढ़ने वालों को बताता है about some shrines, चंद एक मज़ारों के बारे में,
विच आर वर्थ अ विजिटर, जो कि देखने के काबिल है, फॉर स्पिरिचुअल सोलेस एंड इटर्नल सेटिस्फेक्शन, रूहानी तस्कीन और दायमी इत्मीनान के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।